पैराडॉक्स बीएससीबी क्लास टेंथ के इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए हिंदी की गोधूली पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 और 6 से संभावित प्रश्न, यानी जो आपके 2021 की परीक्षा में जिस प्रश्न के आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तर के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले पाठ 5, जिस पाठ का नाम है नागरी लिपि। और इस पाठ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संभावना है पूछे जाने की उन पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। राम सीता की आकृति वाले सिक्के किस बादशाह ने चलाए थे, यानी मुस्लिम होकर के भी राम और सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। वह चारों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वह मुस्लिम शासकों के ही हैं। तो अकबर ने ये चलाया था, यानी पहला का आपका किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, इसका सही उत्तर है बच्चों अकबर। दूसरा, गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ। गुनाकर मूले जी का जन्म हुआ क 1935 ईस्वी में। याद रखेंगे बच्चों, गुनाकर मूले जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के टाइप कब बने। तो नागरी लिपि के जो बच्चों टाइप है, आपने अगर पुस्तक पढ़ी है तो आपको जानकारी होगी ही, नहीं भी आपने पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि लगभग दूसरी सदी के पहले, यानी लगभग दूसरी सदी के पहले नागरी लिपि के टाइप बने। अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो है बच्चों वह रचना है सरहपाद की। किसकी रचना है, सरहपाद की। अगला प्रश्न, ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो उन्होंने अपनी लिपि को कहा है नंदी नागरी। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के लेखक कौन हैं। तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुनाकर मूले जी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दक्षिण भारत के नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है बच्चों उसे हम कहते हैं नंदी नागरी। हिंदी लिखी जाती है, यानी आपकी जो परीक्षा होगी तो उसमें हिंदी की जो आप लिपि लिखेंगे तो उस लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने अपनी लिपि को नाम दिया था नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यहां उत्तर भारत की बात की जा रही है बच्चों, तो उत्तर भारत में 9वीं सदी से जो है नागरी लिपि के लेख मिलने शुरू हो जाते हैं और दक्षिण भारत में 8वीं सदी से। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलने शुरू हो जाते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो दक्षिण भारत में ये जो द्रविड़ परिभाषा परिवार की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह है बच्चों तमिल। आइए अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि वेतमा दान पात्र किस समय का है। तो वेतमा जो दान पात्र की बात आई है तो बच्चों यह है 1020, यानी 1020 ईस्वी में यह वेतमा दान पात्र का जिक्र मिलता है। 14वां प्रश्न, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द जो हैं वह किस लिपि में अंकित हैं। तो वह लिपि है देवनागरी लिपि।
चलिए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इस पाठ से जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, प्रश्न है, लेखक ने पटना से नागरी लिपि का क्या संबंध बताया है, यानी नागरी लिपि का संबंध हमारे इस पाटलिपुत्र यानी पटना से कैसा संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि लेखक के अनुसार पटना एक बड़ा नगर था जो प्राचीन गुप्तों की राजधानी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था और देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी लिपि नाम दिया गया होगा, ऐसा लेखक का मानना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन उनके नाम हम जान लेते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी, नेपाली, जेवारी, मराठी, संस्कृत और प्राकृत भाषाएं लिखी जाती हैं। गुजराती लिपि भी देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है, बंगाली लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की छोटी बहन ही है। तो इतनी सारी भाषाएं जो है वह बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, यानी इसके पहले स्थिरता कैसे आई, इसके पहले यानी स्थिरता नहीं थी, जिसको जैसे मन करता था वैसे लिख देते थे। तो जानते हैं हम अब कि कैसे स्थिरता आई। करीब 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और टाइप बनने के बाद इस लिपि में पुस्तकें छपने लगीं। इसी समय से इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो बच्चों गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किए, बाद में इन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। चलिए अब अगले पाठ में आते हैं, पाठ 6 से जो संभावित प्रश्न हैं और पाठ 6 का नाम है बहादुर, यह महत्वपूर्ण पाठ है आपका। इससे प्रत्येक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। इसमें जो है बहादुर को लेखक के घर पर लाने वाले थे लेखक का साला, बाकी का उत्तर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, लेखक का साला लेकर आया था। अगला प्रश्न, बहादुर शीर्षक कविता कहानी, बहादुर शीर्षक कहानी जो है कि लेखक कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक, देख लीजिए इस कहानी के लेखक हैं कौन हो सकते हैं बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप तब तक इसको याद कीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। आप लोगों को पता होगा, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। तो इसका उत्तर जो है क अमरकांत जो है इसका सही उत्तर है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया किसने, निर्मला जी ने। निर्मला जी जो है लेखक की पत्नी है अमरकांत जी की, और इन्होंने दिल बहादुर शब्द से दिल हटा दिया और केवल बहादुर कर दिया। अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो देखिए अमरकांत जी का जो जन्म है वह हुआ 1929 ईस्वी में। अमरकांत जी का जन्म हुआ 1929 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था,
तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में, ये दोनों, और ये अंतिम वाला भी आपका गलत है। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो दिल बहादुर जो है, इसमें मैंने केवल आपको उत्तर लिखा है बच्चों, कहीं से किसी प्रकार के किसी संशय की आशंका नहीं, आपको केवल उत्तर याद रखना है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो वह रहने वाला था नेपाल का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। हालांकि इसके अलावे आपको और तीन विकल्प मिलेंगे, लेकिन आपको केवल सही विकल्प याद रखना है, गलत विकल्प याद करने पर आपके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? इसे दो बार रिपीट कर दिया गया है, 7 में भी है और 9 में भी है, तो आपको पता ही है नेपाल का। अगला प्रश्न, बहादुर कितने रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा था। अगला प्रश्न है, कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यह प्रश्न जो है बच्चों, स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से यह भी जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी है, ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको इसको याद रख लेना चाहिए कि अचानक क्यों चला गया। एक तरह से आपको इसमें अंतर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन बहादुर के घर छोड़कर चले जाने का एक ही कारण था कि घर के सभी लोग उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे थे और उसे ठीक से खाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था। अब इस पाठ से जो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर, कि बहादुर की तरह बहुत सारे गुण थे बहादुर में। कौन कौन से गुण थे? वह कर्मठ था, ईमानदार था, तो ये दोनों ही गुण उसमें थे। तो बहादुर की तरह कर्मठ, ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलने के कारण और झूठ मूठ उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के चलते घर के सब व्यक्ति को पछतावा होता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, इसका कारण आइए जानते हैं कि बहादुर ने भैंस चराने के दौरान, यानी बहादुर नेपाल में रहता था और वहाँ उसकी माँ के पास एक भैंस था जिस भैंस से वह काफ़ी प्यार करती थी। तो बहादुर ने भैंस चराने के दौरान भैंस को बहुत मारा। मार खाकर भैंस उसकी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसको काफ़ी मारा है। यही सोचकर वह एक डंडे से बहादुर की दुगनी पिटाई कर देती है। बहादुर का मन माँ से फट जाता है और वह कुछ रुपये लेकर घर से भाग जाता है, या वह कुछ रुपये लेकर घर से भाग गया। अगला प्रश्न है बच्चों, कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? एक तो अपने घर से वह भाग आया था क्योंकि माँ ने उसको बहुत मार मारा था, लेकिन अब फिर वह लेखक का भी घर क्यों छोड़ देता है जहाँ पर उसे नौकरी मिल जाती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं, कि बहादुर को लेखक के घर में शुरुआत में बहुत प्यार मिलता है और धीरे धीरे लेखक का लड़का किशोर और निर्मला उससे अधिक काम करवाते हैं और बात बात पर डांटते और पीटने लगते हैं। लेखक के रिश्तेदार एक दिन लेखक के घर आते हैं और बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। लेखक उस दिन उसकी पिटाई कर देते हैं। बार बार प्रताड़ित होने एवं मार खाने के कारण बहादुर लेखक का घर छोड़ देता है। अगला प्रश्न, बहादुर पर ही चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है, उस पर इस आरोप का क्या असर होता है? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर ही चोरी का इल्ज़ाम इसलिए लगाया क्योंकि घर के सभी लोग तो अपने थे, केवल बहादुर ही बाहर का था और नौकर भी था। अधिकांशतः जो है चोरी का इल्ज़ाम नौकरों पर ही लगाया जाता है, तो इसी कारण बहादुर
इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। चोरी वाली घटना के बाद उसे और अधिक डांट फटकार मिलती है, उसे काम में मन नहीं लगता है। अब ये जो प्रश्न है बच्चों कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें, छोटा मुंह और बड़ी बात किस प्रकार से, चूंकि बहादुर जो है उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लोगों ने उसे, उस घर के लोगों ने काफ़ी उसे प्रताड़ित भी किया, लेकिन वह लड़का जो है उतने दिन काम करने के बाद भी बिना कुछ लिए हुए अपना मेहनताना भी नहीं लिया, अपने सारे कपड़ों को भी छोड़ के चला गया वहाँ। तो यही बात होती है कि एक छोटा मुंह और बड़ी बात किस प्रकार से यह समझते हैं। बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए भाग गया। यह घटना तो छोटी थी, यह घटना तो छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात कह गई। सभी को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। लेखक के घर के सभी सदस्य अपने आप को नीचा अनुभव करने लगे। किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता था, बहादुर के मिल जाने पर उसे माफ़ी मांगने को भी तैयार था। तो इस प्रकार से सभी को पछतावा तो जरूर होता है, लेकिन यह कहानी जो है छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों।